आपको ये बता रहे हैं कि अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं 1975 से आइए, उसके बाद 83 में तो हम लोग जीत ही गए थे। इसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच जितने मुकाबले हुए हैं, कौन जीता है कौन हारा है वो हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम पिछले 2015 के वर्ल्ड कप में अगर ग्रुप मुकाबलों की बात देखें तो अजय थी। देखिए कुल 7 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप में और इन 7 मैचों में 4 मैच न्यूजीलैंड जीता, यानी न्यूजीलैंड का पड़ला भारी है नो डाउट, और 3 मैच भारत ने जीता है, 3 मैच भारत ने जीते हैं वर्ल्ड कप में। और ये पहला मुकाबला 1975 में हुआ था और पहला मुकाबला जो है ये 1975 में वेस्टइंडीज ने जीता था, दूसरा 4 विकेट जीते थे मैच में। बिल्कुल। और चलिए दर्शकों को बता दें पूरी आसान तरीके से कि कब किसका किसका मुकाबला हुआ, हम दर्शकों को समझा दें ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो आज मुकाबला है, बहुत संभावना ये है कि ये मैच 50 ओवर से कम हो सकता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुफियान अभी यहीं पर जुड़ेंगे, हमारे खेल संवाददाता है सुफियान। सुफियान मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि आज तो शिखर धवन है नहीं, बहुत स्वाभाविक है कि केएल राहुल को ओपनिंग कराई जाएगी, दिनेश कार्तिक या विजय शंकर में से किसी एक को मौका मिल सकता है, वहां का वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, क्या पूरा मैच हो सकता है? वहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी ऊंचा नीचा बना हुआ है और बिल्कुल वहाँ पर अब बता नहीं सकते, किसी भी पल बारिश होने लगती है, किसी भी पल रुक जाता है, धूप निकल आती है, कवर्स के अंदर ढकी हुई है पिच, तो पिच का भी हाल ऐसे बता पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमने एक मैच में देखा पाकिस्तान 105 पे ही ऑल आउट हो गई, अगले मैच में उसी पाकिस्तान ने 350 के करीब रन बना दिए, तो पिच का हाल भी बता पाना काफ़ी मुश्किल है ऐसे मौसम में जहाँ कभी बारिश कभी धूप कभी छाँव इस तरीके का मौसम लगा रहता है। टीम की प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, टीम को हमने देखा टीम आई लौट गई फिर आई फिर दोबारा उसने प्रैक्टिस की, तो ऐसे मौसम के हाल में बता पाना काफी मुश्किल है क्योंकि वहां पे लगातार बारिश हो रही है और सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि वहां पर 50 ओवर का मैच होना आज बहुत ही मुश्किल है। राहुल बिल्कुल 50 ओवर का मैच होना बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि 38 या 45 ओवर के बीच हो मैच, और ये सीम गेंदबाजी से कैसे निपटेगी भारतीय टीम, उनके पास तो 3 सीम गेंदबाज हैं। जी हाँ, उनकी सीम गेंदबाजी ही उनकी ताकत, हमने देखा उनके काफ़ी सीनियर बल्लेबाज टिम साउदी, उनकी भी टीम में जगह नहीं बन रही है, उनकी जगह पे मैट हेनरी खेल रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप कितनी मजबूत है। और उसके बाद बात करें ट्रेंड बोल्ट उल्टे हाथ के गेंदबाज है, दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराते हैं सीम कराते हैं, स्पीड भी उनकी अच्छी है, और रोहित शर्मा और शिखर धवन को काफ़ी उन्होंने तंग किया था, हालांकि शिखर इस मैच में नहीं होंगे लेकिन उसके बाद भी दोनों राइट हैंडेड ओपनिंग करेंगे तो उससे उनके लाइन एंड लेंथ मैनेज करने में भी उनको भी आसानी होगी, तो देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम निपटती है। शुरुआती ओवर्स में भारत को काफी संभल कर खेलना पड़ेगा और काफी देख कर खेलना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड बोल्ट दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराएंगे, लोकी फर्गसन है उनके पास, वो भी काफी तेज 150-155 की रफ्तार पे गेंदबाजी करते हैं, तो उनको भी देख कर खेलना पड़ेगा और काफी मुश्किल हो सकता है शुरुआती कम से कम 5-10 ओवर में इंडियन टीम के लिए। जी और सुफियान चौथे का जो विकल्प है बहुत मुश्किल से उसमें लोकेश राहुल फिट बैठे थे, लेकिन लोकेश राहुल तो अब बहुत स्वाभाविक है आज ओपन करेंगे अगर शिखर धवन नहीं होंगे, तो वैसे में चौथे नंबर पर विजय शंकर या दिनेश कार्तिक, हमारे पास दो ही विकल्प है। विजय शंकर ऑलराउंडर हो गए, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पहले ही खेल रहे हैं, तो क्या दिनेश कार्तिक की इस बार एंट्री होगी? जी ये तो है क्योंकि काफ़ी अब माथापच्ची करनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट को इस बारे में, क्योंकि अब हो सकता है कि वो महेंद्र सिंह धोनी को ही नंबर 4 पे करने को देखें क्योंकि विजय शंकर के पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं, अभी कुछ 8-10 वनडे मैच उन्होंने खेले हैं, नंबर 4 पे भी उनकी ज़्यादा बल्लेबाजी आई नहीं है, IPL भी उनका ज़्यादा अच्छा गया नहीं था, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टीम मैनेजमेंट यहाँ पर उनको लेके चलती है, हालांकि पलड़ा यहाँ पर। चलिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुफियान, यानी चौथे नंबर पर ये विकल्प है कि महेंद्र सिंह धोनी आ सकते हैं और उसके बाद पांचवे पे दिनेश कार्तिक जो कि कैप्टन है वो आ सकते हैं, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे वो चौथे या पांचवे पे आ सकते हैं, ये मौका हो सकता है, लेकिन दिनेश कार्तिक क्या आएंगे विजय शंकर ये देखने वाली बात होगी। कल पाकिस्तान को जीते जीते हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये हार पाकिस्तान के लिए करारी हार थी और अब आज मैच है भारत और न्यूजीलैंड का, बड़ी ही टक्कर का मैच होने वाला है, लेकिन न्यूजीलैंड ने अभी तक किसी बड़ी मजबूत टीम से टक्कर नहीं दी, आज भारत से जब टक्कर होगी तब पता चलेगा किसमें कितना है दम और क्रिकेट में। नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को आप इतने हल्के में नहीं ले सकती, न्यूजीलैंड की टीम बहुत भारी है और पिछला वर्ल्ड कप भी आप उठा के देख लेंगे तो वो अपने ग्रुप मैच के 6 में से 6 मैच जीता था।